किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ करने को ठान लो। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार, आप सभी को अपने YouTube चैनल PKY क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे के अध्ययन करने वाले हैं। कुछ ऐसे वचन हैं, नारे हैं जो ऐसे, तो ये थोड़ा आसान टॉपिक है, बट आसान और हार्ड कोई एग्जाम में मैंने नहीं रखा। कब कौन सी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है इसी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इसको आसान ना समझे और याद कर ले। तो आइए जरा सा देखते हैं, ये रहा वचन एवं नारे और इधर नाम। जैसे पहला है इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो और हे राम, करो या मरो और हे राम, महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। ये जय जवान जय किसान के बारे में जरा बता सकते हैं दोस्तों कि 1965 ईस्वी में पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक है। आगे है मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ठीक है। फिर है दोस्तों ये 13 नंबर, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल, साइमन कमीशन गो बैक, लाला लाजपत राय। दोस्तों ये लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उसी समय ब्रिटिशों ने इनको लॉ से लाला लाजपत राय को लॉ से लाठी से और लॉ से लाहौर में इनकी मारकर हत्या कर दी उन लोग। तो उन्हीं पे जब ये लोग लाठियां बरसा रहे थे तो इन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा क्या थी, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किल साबित होगा, इन्होंने ही कहा था लाला लाजपत राय। फिर आगे है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये जो थे अब्दुल कलाम आजाद जी बोले थे, जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं किसी से मदद मांगते हैं, तो वो तो पहला मूर्ख है कि किसी से मदद मांगे, और उनसे भी कहीं ज्यादा वो मूर्ख निकले जो उनकी मदद ना किए और उनकी मदद यानी बातों को ठुकरा दिए। एक और बचा है दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये छोटी सी टॉपिक थी और उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। आप इस वचन एवं नारे को किसने दिया है आप इसको याद कीजिए, और बिल्कुल उम्मीद है कि आप इसको याद करेंगे और अपने नंबर को आगे बढ़ाएंगे अपने एग्जाम में। तो दोस्तों पूरी वीडियो को जरूर देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।